हाउ यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ज्ञानम शिक्षा का एक नई वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करने वाला हूँ जूरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड की। इंडियन पिनल कोड 1860 की कुछ जूरिस्डिक्शन बनाई गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जूरिस्डिक्शन कितने तरह की होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप IPC पढ़ रहे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले गाइस, इंडियन पिनल कोड की जूरिस्डिक्शन मींस जूरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। जूरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि जो IPC है, इंडियन पिनल कोड, वो कहाँ पे लगेगी, किस हद तक लग सकती है हमारे इंडिया में, और कौन कौन सा पर्सन जो है इंडिया में चार्ज होगा इस जूरिस्डिक्शन के अंडर और इस कोड के अंडर। सो जूरिस्डिक्शन का मीनिंग होता है दायरा ऑफ इंडियन पिनल कोड। कौन सा पर्सन इंडियन पिनल कोड में आएगा, कौन सा पर्सन इंडियन पिनल कोड में नहीं आएगा। सो जूरिस्डिक्शन मेनली दो तरह की होती है। एक होती है टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन, दूसरी होती है पर्सनल जूरिस्डिक्शन। सो पहले बात आती है टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल से क्या आपको समझ लग रहा है? टेरिटोरियल मीनिंग होता है एक टेरिटरी, मतलब एक हद हो गई। जैसे स्टेट की एक टेरिटरी होती है, कंट्री की एक टेरिटरी होती है, उसको हम कहेंगे टेरिटोरियल। एक टेरिटरी की जो जूरिस्डिक्शन है, एक टेरिटरी की जो हद है, उसको हम कहेंगे टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन। इसको मैं डीपली स्टडी कर देता हूँ। वेयर ए क्राइम इज कमिटेड विद इन द इंडिया, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोड शैल अप्लाई। इसमें एक बात ये बताई गई है कि अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है, कोई जुर्म करता है इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर, इंडिया की हद के अंदर, तो उसके ऊपर IPC लगेगी। अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो IPC में आ रहा है, तो उसके ऊपर IPC लगेगी। और कोई ऐसा पर्सन जो कि इंडिया का है लेकिन वो बाहर रह रहा है, या कोई ऐसा पर्सन जो बाहर का है, इंडिया में आकर उसने कोई क्राइम किया है, उसके ऊपर भी IPC लगेगी। तब उसके ऊपर क्या आ जाता है? उसके ऊपर टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन आ जाती है कि जहाँ तो वो इंडिया का पर्सन है, उसने बाहर जाके कोई ऑफेंस कमिट किया है, तब भी उसके ऊपर IPC लग सकती है। जहाँ तो उसने इंडिया में ऑफेंस कमिट किया है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरनर हो, चाहे वो बाहर का पर्सन हो, चाहे वो इंडिया का पर्सन हो, अगर उसने इंडिया में ऑफेंस किया है, तब भी उसके ऊपर IPC लगेगी। सो टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन भी आगे दो भागों में बांटी गई है इन द IPC, इंडियन पिनल कोड में। सबसे पहले बात आ जाती है इंट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन के। इंट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन से आपको क्या समझ लग रहा है? इंट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन मीन्स होता है जो टेरिटरी के अंदर क्राइम हुए हैं, उसको हम कहेंगे इंट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल से आपको क्या समझ लग रहा है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो इंडिया की टेरिटरी के, जो इंडिया की हद के बाहर ऑफेंस कमिट हुए हैं, उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन। सबसे पहले बात आती है इंट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शंस की। इंट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन इज वन वेयर ए क्राइम इज कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एनी पर्सन। इंट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन में ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन कोई अपराध करता है, कोई जुर्म करता है इंडिया की हद के अंदर, चाहे वो फॉरनर हो, चाहे वो इंडियन हो, उसके ऊपर IPC लगेगी। उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? उसके ऊपर सेक्शन 2 IPC लगेगी। सो मैं सेक्शन 2 और 3 जितने भी मैं आगे बात करूँगा, उनके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप बस इतना समझिए जूरिस्डिक्शन के बारे में। अगर कोई पर्सन जो है इंडिया में अपराध करता है, एनी पर्सन, इसमें एनी पर्सन लिखा है, अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो इंडिया का हो, अगर वो इंडिया की टेरिटरी, इंडिया की हद के अंदर रहकर कोई इंडिया में ही ऑफेंस कमिट करता है, तब वो उसको क्या कहा जाएगा? उसको इंट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन कहा जाएगा। इंट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन के अंदर कोर्ट क्या करेगी? IPC उसके ऊपर लगाएगी। और उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? उसके ऊपर सेक्शन 2 लगेगा। सेक्शन 2 में इंट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन बताई गई है, इसके तहत उस पर कार्रवाई होगी।
आगे बात आती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। जैसे मैंने आपको बताया कि जब जितने भी ऑफेंस इंडिया की टेरिटरी में कमिट होते हैं, इंडिया की हद में होते हैं, चाहे वो बाहर का पर्सन करे चाहे वो इंडियन करे, तब उसको इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन माना जाएगा। अब बात आती है अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है आउटसाइड द टेरिटरी, टेरिटरी के बाहर ऑफेंस कमिट हुआ है चाहे वो इंडियन करे, इसमें ये है कि बाहर की हद में, इंडिया की बाहर के हद में अगर कोई इंडिया का पर्सन बाहर जाकर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो हमारी कोर्ट, इंडियन कोर्ट उसके ऊपर ट्रायल कर सकती है, क्योंकि वो इंडियन है, क्योंकि वो इंडियन रेजिडेंस है और बाहर ऑफेंस कमिट कर रहा है तब भी उसके ऊपर चार्ज कर सकती है। वेयर ए क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एन इंडियन नेशनल। ओके, अगर कोई इंडिया पर्सन है, इंडियन का रेजिडेंस है, इंडिया का सिटीज़न है, वो बाहर जाकर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको भी इंडिया में चार्ज किया जाएगा। ओके, किसके अंडर? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर। ओके, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं? सेक्शन 3 और 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, आई होप आपको इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन समझ लग गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। देखिए, जुरिस्डिक्शन मीन्स होती है एक हद। ओके, और जुरिस्डिक्शन को दो तरह की होती है, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक पर्सनल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है एक हद, इंडिया की हद। ओके, किस हद तक कौन सी जुरिस्डिक्शन है? अगर कोई इंडिया का पर्सन इंडिया में ऑफेंस कमिट करता है तब भी उसके ऊपर आईबीसी लगेगी, अगर कोई बाहर का पर्सन इंडिया में आकर ऑफेंस कमिट करता है तब भी उसके ऊपर आईपीसी लगेगी, अगर कोई इंडियन पर्सन बाहर जाकर किसी और देश में जाकर कोई ऑफेंस कमिट करता है तब भी उसको इंडिया में ट्रायल किया जा सकता है। ओके, सो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी आगे दो तरह की है, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जो कि सेक्शन 2 डील करता है इंट्रा टेरिटोरियल से, और सेक्शन 2 डील करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से, सेक्शन 3 और 4 डील करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मीन्स कि जितने भी इंडिया में ऑफेंस कमिट होंगे चाहे वो इंडियन पर्सन करे चाहे वो बाहर का करे, उसको हम कहेंगे इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, अगर कोई इंडियन का इंडियन रेजिडेंस है, इंडिया का पर्सन है, वो बाहर जाके कोई ऑफेंस कमिट करेगा तब उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आ रहा है वो पर्सन। ओके, सो मैंने जो सेक्शन 1 है उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो, सेक्शन 1 एक्सटेंड ऑफ इंडियन पिनल कोड। ओके, सो आगे है पर्सनल जुरिस्डिक्शन। पर्सनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? पर्सनल जुरिस्डिक्शन वो होती है वेयर ए क्राइम इज कमिटेड बाय ए पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अपराध कमिट करता है विद इन द इंडियन, एन इंडियन और फॉरनर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी पर्सन अगर कोई क्राइम या अपराध करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया में तो उसके ऊपर आईपीसी लगेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि पर्सनल जुरिस्डिक्शन और इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या फ़र्क है? देखिए, पर्सनल जुरिस्डिक्शन और इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो सेम ही है। ओके, वो सेम है पर्सनल जुरिस्डिक्शन और इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, बस इसमें ये बात आती है कि अगर कोई बाहर का पर्सन है वो इंडिया में ऑफेंस कमिट कर रहा है तब भी उसको इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ही माना जाएगा और उसको इंडिया की पर्सनल जुरिस्डिक्शन भी माना जाएगा। ओके, इंडिया की पर्सनल जुरिस्डिक्शन इसलिए माना जाएगा क्योंकि वो इंडिया की सोयल में, इंडिया की धरती पे आकर उसने ऑफेंस कमिट किया है। ओके, अगर कोई बाहर फॉरनर है वो इंडिया में आके ऑफेंस कमिट करता है, ओके, तो इंडिया की वो पर्सनल जुरिस्डिक्शन बन जाती है कि वो फॉरनर पे ट्रायल कर सकती है क्योंकि उसने इंडिया की सोयल पे आकर ऑफेंस कमिट किया है। ओके, सो यही था जुरिस्डिक्शन का सारा मैटर। सो आई होप आपको समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप प्लीज़ गो टू कमेंट बॉक्स, कमेंट करिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।